ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर को 15 अगस्त से पहले शिफ्ट करने की दी गई डेडलाइन। व्यापारियों ने मांगा 6 महीने का समय। आज ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर को नए ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने के लिए 15 अगस्त डेडलाइन दी गई है, लेकिन इतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वाले व्यापारियों के पास भूखंड भी नहीं है और उन्होंने 15 साल पहले इस व्यापार को शुरू किया है और इन्होंने 6 महीने का समय मांगा है। इनका कहना है कि अगर हमारी प्रशासन मांग नहीं मानता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और ट्रांसपोर्ट का व्यापार कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। किससे मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया और अब आप क्या करेंगे? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, अपनी समस्या उनको बताने आए थे कि ट्रांसपोर्ट नगर इतनी जल्दबाजी में शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अभी इस समय जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं उनके पास में भूखंड नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने 15 साल से ही काम करना शुरू किया है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर को बसे हुए और बने हुए मतलब जो कागजों में है उसको काफ़ी समय हो चुका है। तो इस समय जब तक अगर ट्रांसपोर्टर जो बचे हुए हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी वजह से सरकार कहती है कि जाम लगता है, अगर वो उनको जगह नहीं मिलेगी तो उनका वहाँ पर जाना मुश्किल है। अब कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर आप 15 तारीख तक नहीं जाओगे तो हम आपको मतलब एक्शन में आकर के 24 आवर्स की नो एंट्री लगा देंगे। तो इसके लिए ऐसा है कि एकदम इतना जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। हमने ज्ञापन दे करके साहब को बताया है, पर साहब कह रहे हैं कि नहीं, जिनको ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्टर हैं और जिनको पहले प्लॉट मिल चुके हैं वो लोग जा कर के बसाएँ और उसके बाद के अंदर फिर अब जो बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे। जबकि ऐसा मुश्किल है, बाकी लोगों जिनको पास में जगह ही नहीं है तो वो जा कर के बैठेंगे कहाँ, और जब तक उनके पास जगह नहीं होगी तो काम करने के लिए मुश्किल है। और अभी इस कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर प्रशासन अपनी हठधर्मिता अपनाता है या अगर मान लीजिए इस तरह का कोई रूख अपनाता है तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे कि अजमेर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार हम कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं या अनिश्चितकालीन समय के लिए भी बंद कर सकते हैं। चेतावनी दे रहे हैं आप? हाँ, अभी एक तरीके से अभी हमारी अगर सुनवाई नहीं होगी तो ये चेतावनी है प्रशासन को भी कि भाई ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर अब कारोबार ट्रांसपोर्ट का जो हम नहीं करेंगे, 24 घंटे की अगर नो एंट्री करते हैं तो हमारा कारोबार हम बंद रखेंगे। कितने दिनों का टाइम मांग रहे हैं सर? हमने तो 6 महीने का टाइम मांगा है, पर अगर कुछ समय अगर कम भी रहेगा तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, पर कलेक्टर साहब ने तो बिल्कुल ही एकदम मना कर दिया कि अब इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। देवेंद्र तायल, ट्रक ट्रांसपोर्ट संघ संयुक्त सचिव।